तो भाई वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कुछ दिन हो रहा है हम लोग राइड पे नहीं निकले, तो राइड पे भी जाएंगे। अभी प्लानिंग चल रहा है, कल पक्का जाएंगे। 11 बजे अपन का राइड है, एक भाई के साथ जाने का है। यहाँ से 70-80 किलोमीटर राइड करेंगे और वापस आएंगे। पहली बार रेंज रोवर को टच किया है, बैठा नहीं अंदर। अंदर का लुक काफ़ी तगड़ी है, प्रीमियम क्वालिटी का कार है, मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैंने उसके साथ फ़ोटो भी नहीं लिया, क्योंकि फ़ोटो नहीं लेते लोग बोलेंगे देखो कैसा फ़ोटो ले रहा है, इसलिए मैंने फ़ोटो भी नहीं लिया। फिर गाड़ी को टच किया और जो सुकून मिला भाई, देख के ना, वो अगर ब्लैक कलर में होती ना तो और भी अच्छा लगता भाई। पूरा मतलब वाइट कलर में हट ब्लैक निकला, मेरे को ब्लैक पसंद है। ब्लैक कलर में काफ़ी तगड़ी बाइक लगती है, तगड़ी कार, तो तगड़ी कार लग रही है भाई। राइड के लिए भाई टाइम फिक्स हो गया और कब निकलना था ये सारा कुछ मिला है। कल तो भाई निकलेंगे, रहा नहीं जा रहा है। तो कल तो भाई निकलेंगे, सारा कुछ लगेज मांगते हैं। कुछ तो लगेज नहीं लेंगे, छोटी सी राइड लेंगे, इसमें क्या लगेज। बड़ी राइड होगा तो लगेज लेना पड़ेगा। नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा राइड ले पाऊँगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। मेरे को नहीं लगता है इतना बड़ा राइड ले पाऊँगा, सबसे लॉन्गेस्ट राइड कर पाऊँगा या नहीं, ये भी डर लगा रहता है भाई। रात के टाइम प्रॉपर ब्लॉगिंग सेटअप के साथ राइडर बन चुके हैं भाई। अभी एक छोटा सा राइड लेंगे, यहाँ से मेरा घर जो 9-10 किलोमीटर है वहाँ तक आप जाएंगे। तो ये छोटा सा मैं राइड आज बना रहा हूँ, तो जिन जिन लोगों ने देखते हो वो भाई थोड़ा सा मोमेंट करना, थोड़ा सा राइड करना हो, इसलिए मैं भी जाता हूँ। आज हम जा रहे थे घर, क्योंकि मेरे को काम था, मेरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे वहाँ से काम खत्म कर रहा हूँ। और ये देखो सामने ट्रक आ रहा है भाई। ये लोग रात के समय में इतना हेलोजिन देते हैं कि पूछा ही मत, क्या बताऊँ मैं। रात के टाइम में इतना हेलोजिन देता है, आपका लाइट थोड़ा सा ही पड़ता है देखो रास्ते पे। और ये लोग इतना हेलोजिन लाइट लगा के इतना अपवा टिपर भी नहीं दिखा रहे हैं भाई। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आगे कौन सा ट्रक होगा। वो मैंने जब पीछे गाड़ी स्लो किया है, गाड़ी का मेरे को ओवरटेक किया, तो आगे एक ट्रक पड़ा था, उसका इंडिकेटर भी बंद था, शायद पंक्चर हुआ था इसीलिए। वो सिर्फ लास्ट में वो सिर्फ पेड़ के हड्डियाँ टहनियाँ टूट के तोड़ के वहाँ पे रख दिया था और कुछ नहीं किया था। इंडिकेटर तो देना चाहिए भाई। मैं जब रुकता हूँ कहीं पे तो मेरा फोन इंडिकेटर ऑन रहता है, क्योंकि पीछे से कोई आ रहा होगा। अगर आपका ब्रेक लाइट भी जल रहा है वो भी अच्छा है, ब्रेक लाइट जल रहा है तो किसी को समझ में आएगा ना आगे गाड़ी है। ये लोगों को इतना बार समझाऊँ मैं, मेरे दिमाग ही काम करना बंद कर रहा है। अभी सामने में लगे तक रखा भी हूँ, रात को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है। और ये टावर नहीं कि यहाँ टेना लाइट मिल जाएंगे, देखो पूरा दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, सिर्फ हम हैं और हमारा मोबाइल और हेलमेट, अपना सामान को लेके जा रहे हैं। रात रास्ते में रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है भाई। अभी मैंने हेलमेट बाउंड भी मंगाया है लेकिन लगवा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिताजी का हेलमेट है वो भी डालने के क्या ये क्या दिक्कत है, इसीलिए मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। अभी मेरा दोस्त का घर क्रॉस किया, अभी और कुछ मतलब और 10 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे एक ब्रिज आई है छोटा सा, ये ब्रिज में भी ना बहुत दिक्कत होता है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा ना, कहीं पे गड्ढे भी होंगे और कहीं पे कुछ नहीं देख पाए। इसलिए देखो सामने गाड़ी रुका है, इंडिकेटर भी नहीं दिया है इधर, और उस साइड से एक गाड़ी आ रहा है। क्या बताओ भाई, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पड़े हैं, इंडिकेटर देना चाहिए भाई कम से कम। थोड़ा सा भगाते हैं भाई क्योंकि लेट हो गया हूँ, रात का बढ़ा है दादा, सुनान है और आगे एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे पीछे चला जाऊँगा।
थोड़ा बहुत आता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गांव के पास पास होगा तो तभी आपको मिल पाता हूँ। गांव का नजरिया कैसा है थोड़ा सा बता देते। ये देखो सामने गाड़ी खड़ी है, इंडिकेटर भी नहीं दिया, तुरंत ही स्टार्ट मार के चला जाएगा। ऐसे ऐसे चुचंद लोग खड़े। अरे वो सार का मैंने टायर बोल दिया भाई, सॉरी। थोड़ा सा भागा में चल गई अपनी गाड़ी। अभी रास्ता थोड़ा क्लियर आ रहा होगा,